मुस्लिम आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल लोकपाल की तैनाती और उसकी नियुक्ति को लेकर जो देरी हो रही है उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए। लोकपाल की नियुक्ति में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 5 साल तक लोकपाल की नियुक्ति करने में डरते रहे। हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कुलदीप, लोक आयुक्त की नियुक्ति की जो खबरें आ रही हैं उसके बीच आम आदमी पार्टी ने सवाल ये उठा दिया कि 5 साल कहां थे साहब, अब चुनाव सर पर हैं तो अब नियुक्ति भी हो रही है। बिल्कुल शाकिर, देखिए सरकार ने जिस तरीके से चुनावी साल में लोकपाल को नियुक्त करने का फैसला किया है उसके बाद जो है तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार को इस देरी पर घेरने की कोशिश कर रही है और इसमें शुरुआत की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने बयान दिया है कि आखिर पिछले 5 साल से लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। क्या उन्होंने सरकार से ये भी सवाल पूछा कि क्या सरकार अपने भ्रष्टाचार के मामले छुपाने के लिए जानबूझकर लोकपाल की नियुक्ति में देरी करती रही। तो साथ ही में गोपाल राय ने दो अहम बातें भी कही है जिनको लेकर आम आदमी पार्टी लोकपाल के पास बीजेपी की शिकायत दर्ज कराएगी। बीजेपी ने बीजेपी जो आम आदमी पार्टी उसने साफ कहा है कि जो राफेल का मुद्दा है उसकी शिकायत वो जल्द ही लोकपाल के पास लेके जाएगी और साथ में जो दूसरा मुद्दा है सहारा बिरला डायरी का मामला उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने काफी लंबे वक्त तक केंद्र सरकार को घेरा था, केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। तो उस मुद्दे की शिकायत भी जो होने वाले लोकपाल है उनके पास दर्ज की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस चुनावी मौसम में और इस चुनाव से ठीक पहले लोकपाल की नियुक्ति हो रही है तो उसके बहाने जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनको केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका मिला है और उसी मौके को भुनाते हुए पहला हमला आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। यानी कुलदीप, साफ है कि चुनावी जो महीने हैं इसमें लोकपाल की नियुक्ति है सरकार अगर भुनाने की कोशिश करेगी तो विपक्ष तमाम जो मुद्दे हैं राफेल से लेकर सहारा बिरला डायरी का मामला जो आम आदमी पार्टी उठा रही है उसके जरिए केंद्र को फिर से घेरेगी और सबूतों के साथ अगर लोकपाल के सामने ये तमाम दस्तावेज आते हैं तो अब लोकपाल पर जिम्मेदारी होगी वो किस तरह से इन तमाम चीजों को डील करे और पहली बार देश देखेगा कि लोकपाल किस तरह से काम करते हैं। बिल्कुल शाकिर, आपने बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दो मुद्दों की लिस्ट बना ली है कि जिनको लेकर वो लोकपाल के पास बीजेपी की शिकायत दर्ज करवाएगी और इस चुनावी वक्त में ये दोनों मुद्दे अगर लोकपाल के पास जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलों का वक्त हो गया क्योंकि वहां पर कई सारे सवाल जो है वो केंद्र की सरकार से पूछे जा सकते हैं लोकपाल के जरिए और साथ में ये भी देखा जाएगा कि इस चुनावी वक्त में लोकपाल किस तरीके से इन मामले की जांच करते हैं। बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है उसने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि वो जल्द ही यानी चुनाव की तारीखों से पहले यानी जो पहले चरण के चुनाव होने हैं उनसे पहले ही इन दोनों मुद्दों को लोकपाल के पास लेकर जाएगी। तो ऐसे में जो लोकपाल के यहाँ पर जो जांच चलेगी तो उसके बाद एक और मौका जो है विपक्षी पार्टियों के पास होगा कि वो केंद्र की मोदी सरकार को घेर सके। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए।